देर रात सोलन के बाईपास पर आरटीओ सोलन नरेंद्र चौहान ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिना दस्तावेजों के 6 वॉल्वो बसों पर 40,000 रुपए का चलान कर मौके पर ही जुर्माना वसूला। जानकारी के अनुसार पारी राज्यों की वॉल्वो बसें बिना टैक्स दिए रात के अंधेरे में गोरख धंधा चलाए हुए हैं। प्रदेश की राजधानी शिमला से चोरी छुपे बुकिंग कर शिमला से दिल्ली व अन्य जगहों पर सवारियों को लाने ले जाने का कार्य कर रही हैं, जिस वजह से प्रदेश सरकार को लाखों का चूना लग रहा है। वहीं प्रदेश के वॉल्वो बस ऑपरेटर भी इससे आहत नजर आ रहे हैं, जिसकी शिकायत बस ऑपरेटरों द्वारा विभाग को कई बार की गई, जिस पर कार्रवाई करते हुए विभाग द्वारा 16 जुलाई से 30 जुलाई तक विशेष अभियान चलाया गया है, जिसमें ऐसी बसें जो बिना परमिट बिना टैक्स दिए चल रही हैं उन पर नकेल कसी जा रही है। इसी कड़ी में सोलन के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी नरेंद्र चौहान ने भी अपनी टीम के साथ देर रात नाका लगाकर वॉल्वो बसों पर कार्रवाई की और बसों के चलान काटे। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी नरेंद्र चौहान ने कहा कि विभाग को ऐसी शिकायत मिल रही थी कि बिना परमिट बिना टैक्स दिए और बिना अनुमति के बाहरी राज्यों की वॉल्वो बसें प्रदेश में सवारियों को लाने ले जाने का कार्य कर रही हैं, जिस पर उच्च अधिकारियों के आदेश पर आज नाका लगाया गया है और ऐसे 6 बसों जो बिना परमिट और बिना टैक्स दिए दिल्ली के लिए सवारियां ले जा रही थी उनके चलान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आगामी समय में भी इसी तरह की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा, इन बसों के अगेंस्ट हमारे पास कुछ शिकायतें काफ़ी दिनों से आ रही है, जिसमें ये बताया गया कि परमिट का वायलेशन कर रहे हैं ये लोग। जो है बाहर की बसें हैं और यहाँ से हमारे हिमाचल से सवारियाँ उठाते हैं और बिना टैक्स दिए जो है सरकार को लाखों रुपए का चूना लग रहा है। इस वजह से हमारा जो ये 16 जुलाई से और 30 जुलाई तक हिमाचल प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार एक स्पेशल कैंपेन चलाया गया है, जिसके अंतर्गत जो भी कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बसें हैं यदि वह स्टेज कैरिज बसों के रूप में कार्य कर रही है तो उनका जो है चलान किया जाएगा, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो सरकार के नियमानुसार हम रात को भी ये काम कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि जो भी गैरकानूनी बसें चल रही है इनके पे नकेल कसी जा सके और इनको जो है बंद किया जा सके। सर, तो आज कौन कितनी बसें पकड़ी और कितना चलान किया गया? आज ये लगभग हमारे नेट में शाम के टाइम ये बसें चलती है और लगभग 6 बसें हमारे रडार में आई है और अप्रोक्सीमेटली हमने इनसे 40,000 के आसपास चलान किया है। मैक्सिमम बसें दिल्ली नंबर की है, हरियाणा नंबर की है और शिमला से ये दिल्ली की तरफ जा रही है और जगह जगह से इनकी जो अनऑफिशियली इन्होंने अपने पैसेंजरों से टाइप किया होता है और इलीगल रूप से उनको कैरी करते हैं।